दक्षिण की सियासत में केसीआर की बीआरएस की चमक दमक फीकी पड़ गई है। लोकसभा चुनाव में इस बार बीआरएस का सूपड़ा पूरी तरह से साफ हो गया, जिसके बाद से पार्टी में लगातार टूट की खबरें सामने आती रही हैं। तो वहीं बीआरएस को अब एक और बड़ा झटका लगा है। पार्टी के एक और विधायक ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। तो कौन है वो विधायक, देखिए ये रिपोर्ट। तेलंगाना की सियासत गरमाई हुई है। राज्य में भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस पार्टी का वजूद खत्म होता जा रहा है। जब से बीआरएस के हाथ से सत्ता गई है, तब से पार्टी की हालत बिगड़ती दिखाई दे रही है। बीआरएस बेहद बुरे दौर से गुजर रही है। चुनावों में मिली हार के बाद से ही पार्टी की परेशानियां बढ़ गई हैं। बीआरएस को लगातार विधायकों और एमएलसी के दल बदल का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। बीआरएस के विधायक अरेका पुड़ी गांधी कांग्रेस में शामिल हो गए। इसके साथ ही राज्य में सत्तारूढ़ दल में शामिल होने वाले बीआरएस विधायकों की कुल संख्या बढ़कर 9 हो गई है। विधायक अरेका पुड़ी का मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ए रेवंत रेड्डी ने पार्टी में स्वागत किया। बता दें कि पिछले साल हुए चुनाव में बीआरएस ने कुल 119 विधानसभा सीट में से 39 पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस ने 64 सीट जीत कर सरकार बनाई थी, जिसके बाद से पार्टी से टूट की खबर आती रही है। लगभग 6 महीने में बीआरएस के 9 विधानसभा सदस्य और 6 विधान परिषद सदस्य यानी कुल 15 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए। बीआरएस को विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद से पार्टी को एक के बाद एक झटके मिल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भी उसे तगड़ा झटका लगा। पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। आने वाले दिनों में केसीआर की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।